दोस्तों 10वीं क्लास करने के बाद आपके पास चार ऑप्शन आएंगे। उन ऑप्शनों के नाम मैं बता देता हूँ। नंबर 1 आर्ट, नंबर 2 कॉमर्स, नंबर 3 नॉन मेडिकल, नंबर 4 मेडिकल। मैं सब की डिटेल मैं आपको दे देता हूँ किस टॉपिक में, किस ऑप्शन में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्ट की, आर्ट में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? देखो दोस्तों, आर्ट में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होता है और हिस्ट्री भी कंपलसरी है। ये तीन सब्जेक्ट तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे, लेकिन और सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट आर्ट में 5 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहे तो वो ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली 5 सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट हो गए। और चौथा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, आप म्यूजिक और इकोनॉमिक्स ले सकते हो, या आप म्यूजिक फिजिकल ले सकते हो, या आप म्यूजिक ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, मैथ, मतलब म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, फिजिकल, मैथ और पोर टेक्निकल साइंस, आप इसमें से ले सकते हो और अलग से 2 सब्जेक्ट, वो आपकी मर्जी होगी। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री कंपलसरी है दोस्तों। आर्ट, वैसे तो आर्ट ये कहा जाता है जो कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो आर्ट लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है। आर्ट लो, नॉन मेडिकल लो, कॉमर्स लो, सभी में कंपटीशन है और सभी हार्ड है अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो, और पढ़ाई करोगे तो सभी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम सेकंड पर बात करेंगे, सेकंड हम बात करते हैं कॉमर्स पर। दोस्तों कॉमर्स वैसे मेनली बैंकिंग लाइन के लिए यूज की जाती है। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट और मैथ। दोस्तों 6 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, इसमें से आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। आप मैथ को छोड़ सकते हो अगर आपको मैथ समझ नहीं आता या मैथ में प्रॉब्लम है, बाकी के 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट। या आप इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, मैथ ले सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस, अकाउंट और मैथ। दोस्तों वो आपकी मर्जी है, वो आप पर डिपेंड करता है, आपको जो सब्जेक्ट लेने आप ले सकते हो। ओके दोस्तों, कॉमर्स मेनली बैंकिंग के लिए यूज की जाती है। थर्ड, नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन कहा जाता है आज के समय में। नॉन मेडिकल में कौन कौन से ऑप्शन है? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 5 ऑप्शन है, ये 5 आपको लेने पड़ेंगे। दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है आज के समय में नॉन मेडिकल, सबसे ज़्यादा नौकरियां नॉन मेडिकल में ही हैं आज के टाइम में। अब आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसी में लेना चाहते हो, बायो ले सकते हो, लेकिन 5 सब्जेक्ट लेके चलो बेस्ट होगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मत लो, मेरी एडवाइस यही है। अब मेडिकल की बात करते हैं। दोस्तों मेडिकल में भी सेम टू सेम नॉन मेडिकल के जैसा ही है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें मैथ है, इसमें बायो है। तो दोस्तों अब आपके सामने मैंने सभी सब्जेक्ट को बता दिया है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। 10th के पास आपके पास 4 ऑप्शन हैं, हर एक ऑप्शन में आपको 5 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें कैरियर ऑप्शन की, किस में ज़्यादा नौकरियां हैं, किस में कम नौकरियां हैं, दोस्तों सबसे ज़्यादा नौकरियां नॉन मेडिकल में हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बहुत सारी नौकरियां हैं, इंजीनियरिंग। और फिर सेकंड नंबर पर आती है हमारी आर्ट। आर्ट में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा नौकरियाँ हैं, पुलिस, आर्मी एंड और बहुत सारे इसमें कैरियर हैं, रेलवे, आरआरबी, पुलिस। लेकिन आर्ट में फिर भी लो पोस्ट आप कह सकते हो नॉन मेडिकल के मुकाबले, नॉन मेडिकल बेस्ट रहेगा, आर्ट भी ठीक है। थर्ड कॉमर्स। कॉमर्स मेनली बैंकिंग लाइन के लिए यूज किया जाता है या अकाउंटेंट के लिए यूज किया जाता है। कॉमर्स में तीसरे नंबर पर आता है नौकरी देने के मामले में। चौथे नंबर पर आता है मेडिकल। मेडिकल में एक ही चीज़ होती है, वो है डॉक्टरी। तो दोस्तों मैंने आपको सभी डिटेल बता दी हैं।